2006 के अंदर प्लांट लगा था और उस प्लांट के हम साथियों ने 4 प्लांट लगा दी। तो कंपनी ये कभी बोल ही नहीं सकती भी हमारा इन वर्करों ने लॉस किया है, ना हरियाणा सरकार कभी बोल सकती भी इन वर्करों ने लॉस किया है। जब से हमारी नौकरी गई है जी, हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, हमारा एक मानसिक शोषण हुआ है जी, हमारे परिवारों का शोषण हुआ है। मेरे खुद पिताजी थे जो, वे इस सदमे को नहीं सह पाए कि भी मेरे बेटे की नौकरी छूट गई, जो कि मैं एक परमानेंट वर्कर था। मैंने 2006 में प्लांट जब स्टार्ट होया, जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ था, और उनको ये लगा कि भी अब मेरे बेटे के जीवन का क्या होगा, तो हमारी बहुत ही दयनीय स्थिति होगी जी। मेरे पिताजी उस सदमे के तहत उनकी जान चली गई। जेल में हम 3-4 साल रहे, हमारा परिवार दिहाड़ी मजदूरी करके एक टाइम भूखे भी रहे हैं, भूखे रह के भी काम चलाया है उन्होंने, जो हमारे हालात थे, क्योंकि हमारे पास कोई और साधन नहीं था इनकम का, ना कोई घर में नौकरी है ना कुछ। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं मुकुंदर, भी मौजूद है मानेसर में, हरियाणा के मानेसर में, जहाँ पर मारुति सुजुकी प्लांट के कई मजदूर जो 2012 के हिंसा के बाद से निकाले गए थे, वो अपनी पुनर्बहाली को लेकर धरना दे रहे हैं। ये अधिकतर वो मजदूर हैं जो 2012 जुलाई में जो हिंसा हुई थी उसमें तत्कालिक रूप से इनको भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में SIT ने इनको बाइज्जत बरी किया, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सजा भी हुई, जो इनको 3 साल जेल में भी रह के आए, लेकिन बाद में कोर्ट से वही बाइज्जत बरी हुए। तो इनका कहना है जब ये किसी हिंसा में आरोप साबित ही नहीं हुए और ये बाइज्जत बरी हुई, इनको किन बात की सजा दी जा रही है, और मारुति इनको वापस काम पर ले। और ये इनकी संख्या 400 से अधिक है, हालांकि निकाले गए मजदूरों की संख्या और भी अधिक थी, लेकिन ये जो बेकसूर साबित हुए मजदूर हैं इनकी 400 ज़्यादा अधिक संख्या है। ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, अलग अलग तबके से हैं, लेकिन बड़ा तबका जो इसमें हरियाणा के ही मजदूर काम कर रहे थे, जो हरियाणा का प्लांट था, तो उनकी डिमांड है पिछले 12 सालों में जिस तरह का इन्होंने प्रताड़ना झेली है, जो दूसरी कंपनियां भी इनको काम नहीं दे रही, क्योंकि उनका भी कहना होता है जो मारुति हिंसा के आप आरोपी है, जब वहाँ अब मारुति नहीं ले रहा तो हम क्यों ले लें। तो इनकी ज़िंदगी एक दोहरे मार्ग के तहत जुड़ रही है। ये टेक्निकली एक्सपर्ट, ये लोग IIT से पास आउट लोग थे, ये स्किल्ड लेबर है, लेकिन इनमें से बड़ा तबका आज मनरेगा में काम करने को मजबूर है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, और ये इन्होंने आंदोलन परमानेंट लगा दिया है। यहाँ पर दिन रात का धरना है, यहाँ पर ये किसी तरीके से संसाधन जुटा के अपना भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, एक टेंट गाड़ के रह रहे हैं। इनका कहना है प्रशासन यहाँ इनके आंदोलन में भी अड़चने डाल रहा है, और आने वाली 30 सितंबर को ये एक बड़ा आंदोलन, बड़ा जनसभा यहाँ करेंगे, जिनमें इनके परिवार और बाकी यूनियंस के लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा 30 तारीख को ही इनके आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ लेबर कमिश्नर ने इनको बातचीत के लिए बुलाया है, जिसमें वो इनसे समझौते की एक बात कह रहे हैं। अब देखना होगा आगे क्या निकलता है और क्या इस पर बातचीत होगी। अभी यहाँ धरने बैठे जो मजदूर हैं, इनसे हमने बात करी, इनका क्या कहना है, इनकी क्या मांग है, किस तरह के जीवन जी रहे हैं, और प्रशासन और मारुति मैनेजमेंट से ये क्या चाहते हैं, सुनिए इन्होंने पूरी बातचीत में क्या कहा है। देखिए, अगर मैं संघर्ष की बात करूँ तो 2012 में जो मजदूर था कुछ जागा हुआ था, और अभी मजदूरों को इस तरह दबा दिया गया है मालिकों के शोषण के द्वारा कि मजदूर बोलने लायक रहा ही नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि पूरे हरियाणा के अंदर हमने हर ज़िले में, हर गांव में, पूरे राज्य के अंदर हमने कैंपेन किया और अपनी बात रखी। जब यहां पर कांग्रेस सरकार होती थी तो हमने कांग्रेस सरकार को अपने ज्ञापन सौंपे, आज BJP सरकार है तो BJP सरकार के पास गए, लेकिन वो भी रोटी सेकने का ही काम करते हैं। जब उनको लगता है कि अब चुनाव आ गए तो लोग हमें बुलाते हैं, बातचीत करते हैं कि आपका समाधान करवाएंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं। और अभी देखिए, हमारी उम्र करीब सभी साथियों की 40 साल के आसपास हो गई है, हम संघर्ष के रास्ते पर ही थे 2012 से, आज भी संघर्ष के रास्ते पर ही हैं, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा जो एक षड्यंत्र रचा गया, जिस षड्यंत्र में एक मैनेजर की मौत भी हुई, हमारे 13 बंदों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, और 18 हमारे साथी ऐसे थे जिन्होंने 5-5 साल की सज़ा काटी, 117 साथी हमारे ऐसे थे जिन्होंने 3-3 साल की सज़ा काटी, लेकिन जिन साथियों ने 3-3 साल की सज़ा काटी, उन्होंने 3 साल की सज़ा काटी और कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। बरीइज्जत करने के बाद भी उनके घर पर लेटर पहुँचते हैं कि आप ड्यूटी ज्वाइन करो, उनके माता पिता कहीं कंपनी में जाते हैं, किसी की सिफारिश लगाते हैं कि हमारे बेटे हैं उनको नौकरी दो आप, वो कहते हैं कि वो तो गलती से आपका लेटर छप गया।
तो ये ऐसी कौन सी मतलब न्याय प्रणाली है भारत के अंदर, वो कौन सा संविधान है जिसमें ये लिखा है कि आपने मेरी नौकरी को छीन लिया, आपने मेरे को जेल में भी डाल दिया, वो मेरे को किस चीज़ का दंड मिलता है? एक बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि सरकार से हम बार बार ये गुजारिश करते हैं कि इस मामले की आप CBI जांच कराओ। हमने उसी टाइम पे ये अपनी बातचीत रखी थी और 2012 से हम संघर्ष कर रहे हैं, आज तक सरकार ने ऐसी कोई जांच नहीं कराई। जे मारुति में जिस टाइम हम काम करते थे उस टाइम ये स्थिति थी कि एक आदमी से दो दो आदमी के बराबर काम लिया जाता था, कन्वेयर चलती थी, शिफ्ट इंचार्ज सुपरवाइज़र कन्वेयर की स्पीड बढ़ा देते थे, ऐसे ही हमें भाग भाग के काम करना पड़ता था। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता था कि हम पास में रखी हुई बोतल को पानी पी ले, ठीक है जी, हमारे पास पानी पीने का टाइम भी नहीं था, किसी को बीच में टॉयलेट जाना हो वो नहीं जाने दिया जाता था। कुछ लड़कों के साथ ऐसा होता था टॉयलेट वहीं पे निकल जाता था, लेकिन वो जा नहीं सकता था क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से सुपरवाइज़र शिफ्ट इंचार्ज का इतना प्रेशर होता था कि अगर आपने लाइन छोड़ दी तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी। इस तरीके से हमारा जी उस टाइम में लगभग 45 सेकंड में एक कार बनने का टाइम होता था, 45 सेकंड के अंदर। वे जैसे कन्वेयर की स्पीड थी इसी हिसाब से मजदूरों की स्पीड बना रखी थी उन्होंने। जो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम टाइम था, जो फैसले लेने का था, एजुकेशन टाइम का था, वो सबसे कीमती समय हमने मारुति को दिया और मारुति ने जो दमनकारी नीतियाँ थी मैनेजमेंट की और प्रशासन ने इनके साथ मिलकर जितने भी थे इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय किया। एक षड्यंत्र करके जो ये प्रोपकंडा रचा मैनेजमेंट ने, जो एक घटना को अंजाम मैनेजमेंट ने खुद दिया वो वर्करों पे थोपा गया है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। ठीक है, अगर सच्चाई होती, हम खुद कहते हैं मैनेजमेंट को, अगर सच्चाई है तो जो आपके पास CCTV फुटेज है, जो ये कहते हैं कि मारुति एक तस्वीर सामने रख देती है, तो हम उस CCTV को सामने रखने के लिए कई बार हमने भी बोला है कि भाई उस तस्वीर को एक बार सामने रखो, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने ये प्रोपकंडा मजदूरों को एक हथकंडे में फंसाने के लिए रखा था, जिसमें हमारे कुछ साथी जेल में रहे, जिनमें मैं खुद था, 3 साल जेल में रहा, सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई, उसके भी आप मेरे को बाइज्जत बरी कराया गया है। हम 117 लड़के थे। पहला फैसला, हम SIT की जांच से निर्दोष हैं, ये कोर्ट उसको क्यों नहीं मान रही। दूसरा फैसला, हमारे 117 साथी 3.5 साल जेल काट के आए हैं, उनको इसी कोर्ट ने, इसी स्टैंप ने बाइज्जत बरी किया है और ये भी बोला है भी इनका कहीं कोई कसूर नहीं है। ये स्टेप आज उनके सामने भी फीकी पड़ रही है। अब तीसरा स्टेप, यहाँ देखो, हम वो साथी थे उस जेल में जो उस दिन छुट्टी पर भी थे, वो भी साथी थे जो उस दिन प्लांट में आए भी नहीं थे, कोई बीमार पड़ा था घर पर, उनको भी उठा कर जेल में डाल दिया, कैदबलों को साथियों को जेल में डाल दिया जिनका कोई सिस्टम ही नहीं था। हमें कोई एक्सपीरियंस लेटर तो मिला नहीं था, टर्मिनेशन लेटर मिला था, बहुत सारी कंपनियों में भी गए, एक्सपीरियंस दिखाया तो उन्होंने बता दिया आपने तो कुछ किया है, बल्कि हमने कुछ किया नहीं था, लेकिन वो लेवल ऐसा बना दिया इन्होंने कि हमारा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में कई छोटी मोटी कंपनियों में काम भी किया बिना एक्सपीरियंस बता के कि हम तो फ्रेशर है, तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी में हमको 6,000-7,000 की सैलरी में हमने बिल्कुल लोअर कैटेगरी में काम किया। अगर एक्सपीरियंस बताते हैं तो बोल देते आप गलत हो, एक्सपीरियंस नहीं बताया तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी में काम किया, उसमें भी काम किया क्योंकि खर्चा तो चला नहीं था, 6,000-7,000 में काम किया, उसके बाद में बहुत सारे काम कराए, उसके बाद में रोड पे बैठ के सब्जियां भी बेची है मैंने, रेहड़ी तक लगाई है, और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल थोड़ी बहुत ज़मीन है तो उस पर सिर्फ खेती कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हमने अपनी बात उनको बताना चाहते हैं कि ये लड़ाई 2012 की नहीं है, ये लड़ाई मजदूर और मालिक की है, ये जो शोषण हमारे साथ हो रहा है इस शोषण को हम नहीं झेलेंगे, हमारी नौकरी इनको देनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल इनसे गुजारिश करते हैं प्रशासन से भी कि हमको वहाँ भेज दिया जाए, नहीं तो आने वाली इसी 30 तारीख को एक व्यापक रूप से हमारे परिवार होंगे, हम होंगे,
और जितनी भी ट्रेड यूनियन वे होंगी, और बिल्कुल सेंट्रल लेवल पर हमने अपने एक आम सभा बुलाई है, या तो हमारी आवाज़ उठाई जाए, नहीं तो बिल्कुल जहाँ पर हमें बैठने के लिए जगह दी गई है कोर्ट के द्वारा, हम वहाँ पर जाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे। और जब तक ये हम अपने घर कह के आए, अपने परिवारों से, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम वापस घर नहीं जाएंगे। हम बिल्कुल अपना बलिदान तो एक अलग चीज़ होगी, हमें सर कटाना पड़ा सर कटाएंगे, गोली खानी पड़ी गोली खाएंगे, जेल में जाना पड़ा जेल खाएंगे, लाठियां खानी पड़ी तो लाठियां खाएंगे, लेकिन हम वापस घर नहीं जाएंगे। अभी जी आज अभी अभी हमारे पास LC चंडीगढ़ से नोटिस आया है, इन्फॉर्मेशन आया है कि हमें 30 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया है 11 बजे। अब उस मीटिंग में हम जाएंगे और उसमें हम उम्मीद करेंगे कि लेबर कमिश्नर हमारे जो मांग है निर्दोष जो साथियों के कार्यवाही वो करवाएं, जल्द से जल्द करवाएं, सरकार इसमें अपना योगदान दे, केंद्र सरकार भी इसमें बात कर सकती है। डिमांड हमारी यही है, जितने भी जो निर्दोष हैं जो SIT टीम से बाहर थे और कोर्ट ने भी जो 3 साल अंदर रहने के बाद जिनको बरी कर दिया, जिसके खिलाफ कोई मतलब सबूत ही नहीं मिला, तो उनकी कार्यवाही की जाए।